पीएम किसान ई केवाईसी लिस्ट 2023। पीएम किसान ई केवाईसी लिस्ट हुआ जारी। 16.74 लाख किसानों को नहीं मिलेगा 13वीं किस्त, जल्दी देखें। फर्स्ट नेम पीएम किसान ई केवाईसी लिस्ट 2023। पीएम किसान ई केवाईसी लिस्ट हुआ जारी। 16.74 लाख किसानों को नहीं मिलेगा 13वीं किस्त, जल्दी देखें। फर्स्ट डेट 19/1/2023। सेम नेम पीएम किसान योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। फर्स्ट टाइप सरकारी योजना। 12वीं इंस्टॉल्ड डेट 17/10/2023। पीएम किसान ई केवाईसी ऑनलाइन। लास्ट डेट फॉर 13वीं इंस्टॉलमेंट ई केवाईसी 28/1/2023। डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। ऑफिशियल वेबसाइट। हेल्पलाइन नंबर। शॉर्ट डिटेल्स। यह लिस्ट उन किसानों को जारी किया गया है जिन्होंने अभी तक अपना ई केवाईसी नहीं करवाया है। इसके तहत कुल 16.74 लाख ऐसे किसान हैं जिन्होंने अभी तक अपना ई केवाईसी नहीं करवाया है। सरकार के तरफ से इन किसानों के लिए 13वीं किस्त का लाभ लेने के लिए ई केवाईसी करने की अंतिम तिथि जारी कर दी गई है। पीएम किसान ई केवाईसी लिस्ट 2023। सरकार के तरफ से उन किसानों को उनके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजकर ई केवाईसी करवाने के लिए कहा गया है। इसके लिए सरकार के तरफ से तिथि भी जारी की गई है। अगर इस निर्धारित तिथि तक किसान अपना ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाले पैसे की 13वीं किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास भी ऐसे कोई मैसेज आया है तो जल्द से जल्द अपना ई केवाईसी कर लें। इसके तहत ई केवाईसी करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी नीचे विस्तार में दी गई है। पीएम किसान ई केवाईसी करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीएम किसान ई केवाईसी लिस्ट 2023 इम्पोर्टेंट डेट। 13वीं किस्त के लिए ई केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि 28/1/2023 तक है। पीएम किसान ई केवाईसी लिस्ट 2023 ऐसे करें ऑनलाइन ई केवाईसी। इसके तहत खुद से ऑनलाइन ई केवाईसी करने के लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वहां जाने के बाद आपको फार्मर कॉर्नर का सेक्शन मिलेगा जहां आपको ई केवाईसी का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना आधार नंबर डालकर सर्च करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसके माध्यम से आप अपना ई केवाईसी कर सकते हैं। नोट, आप अपने नज़दीकी CIC वसुधा केंद्र पर जाकर भी अपने ई केवाईसी करवा सकते हैं। पीएम किसान ई केवाईसी लिस्ट 2023 ऐसे चेक करें आपका ई केवाईसी हुआ है या नहीं। इसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जहां आपको फार्मर कॉर्नर के सेक्शन में ई केवाईसी के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां आपको कुछ जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आपको शर्त पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने यह जानकारी खुलकर आ जाएगी कि आपका ई केवाईसी हुआ है या नहीं। पीएम ई केवाईसी चेक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके चेक कर सकते हैं।